अमाउंट इसमें लगभग जो है 1,43,00,000 रुपए का ट्रांजेक्शन या जो टेंडर अमाउंट है वो था, और इस अमाउंट को जो स्थानीय जो सप्लायर है। मध्यप्रदेशे मुख्यमंत्री कन्यादान योजनार अधीने नकल टीवी वितरण, এই কাণ্ডে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে দুজনকে। জানা গেছে মুখ্যমন্ত্রী কন্যাদান যোজনার অধীনে নকল টিভি বিতরণের একটি মামলা 26 মে মধ্যপ্রদেশের সাগরের সামনে এসেছে। জেলা পুলিশ সুপার অভিষেক তেওয়ারি সংবাদ মাধ্যমকে জানান, এখন পর্যন্ত মোট 1862টি নকল টিভি বিতরণ করা হয়েছে এবং মুকেশ সাহু এবং রাজু গুপ্ত নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তারা এই নকল টিভিগুলি সরবরাহ করেছিল। টেন্ডার অনুযায়ী শেনসুই টিভি সরবরাহ না করে স্থানীয়ভাবে টিভি অ্যাসেম্বল করে বিতরণ করা হয়েছে। প্রায় 1.5 কোটি টাকার কেলেঙ্কারি হয়েছে বলে জানা গেছে। এই প্রকরণ মে পঞ্জীবদ্ধ অপরাধ কে বাদ হামারি টিম কে দ্বারা 2 আরোপিও গ্রেফতারি কি গই হ্যায়। ইসমে বর্তমান মে স্থানীয় স্তর সে জো মুকেশ সাহু হ্যায় জিনহোনে টিভি কা টেন্ডার কিয়া থা অর সাপ্লাই কিয়া থা জো শেনসুই টিভি কে নাম সে এক লোকাল ব্র্যান্ড ইয়া জো অ্যাসেম্বল টিভি হ্যায় ভো প্রদায় কিয়া গয়া থা। उस आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया है, और इनके द्वारा जहां से ये इस तरह की कूट रचित टीवी प्राप्त की गई है उसमें भी एक अन्य आरोपी जो है दिल्ली से राजू गुप्ता जिनकी गिरफ्तारी की गई है। अभी प्रकरण विवेचना में अन्य सभी बिंदुओं पर भी इसमें गहनता से जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। कितनी टीवी मामला है, कितनी टीवी दी गई है इसमें? कुल जो FIR में आया था 1862 टीवियों का इसमें वितरण का मामला आया है। इसमें जब हम लोगों ने इनके जो ऑर्डर के दस्तावेज भी सर्च किए हैं तो लगभग 1902 टीवीज का इन्होंने ऑर्डर दिया था और उसमें से 1862 टीवी यहाँ डिलीवर की हैं। अन्य टीवियों के संबंध में या इससे रिलेटेड अन्य भी जो कोई यदि कोई और ऑर्डर हैं या अन्य डिटेल्स हैं उनको विवेचना में लिया गया है और जाँच अभी जारी है। कितने अमाउंट इसमें लगभग जो है 1,43,00,000 रुपये का ट्रांजेक्शन या जो टेंडर अमाउंट है वो था, और इस अमाउंट को जो स्थानीय जो सप्लायर है उसने दिल्ली की फर्म को भेजा था और दिल्ली के फर्म के द्वारा फिर टीवी सप्लाई। সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে, সঙ্গে থাকুন, ধন্যবাদ।